हे गाइस, आज मैं आ गई हूँ अगम कुआ मंदिर। और ये कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है या इसे ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है। हालांकि ये एक शक्ति पीठ है तो इसे प्रमोट करना चाहिए था, बट समहाउ बिहार टूरिज्म में इसे प्रमोट उतना ज़्यादा नहीं किया गया है। ये है शीतला माता मंदिर अगम कुआ का। तो चलिए मैं आपको आज इसके अंदर के वीडियोस भी दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या महत्ता है। तो पहले यहाँ से मैं कुछ सामान ले लेती हूँ, पूजा की सामग्री ले लेती हूँ। ये बाहर में आपको बहुत सारे स्टॉल्स बने हैं जहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल जाता है, जो भी पूजा के लिए रिक्वायर्ड है अंदर में वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जनरली क्योंकि माता का मंदिर है तो यहाँ पे अड़हुल का फूल चढ़ाया जाता है और नारियल भी चढ़ाया जाता है। साथ ही अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं माता के मंदिर में। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जब ASI ने यहाँ पे खुदाई कराई थी तो मूर्ति सीधी की सीधी मिली थी, तो उसे वहाँ पे वैसे ही मंदिर बनवा दिया गया था। और आई थिंक बहुत पुरानी मूर्ति है, कहते हैं कि ये सालों पुरानी है। पटना ऐसे भी एक एंशियंट सिटी है तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है वो लाइक 2000-3000 साल पुरानी चीज़ें हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बहुत पुराना पेड़ है। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। ये साइड गेट है जैसा कि आपको दिख रहा है। पूजा करने के बाद फिर मैं आपको अगम कुआ का ये कुआं दिखाती हूँ जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। और इसमें उसने अपने राज्याभिषेक के पहले अपने 99 भाइयों को मरवा के इसमें डाल दिया था। तो पहले एक्चुअली यहाँ से आप देख सकते थे ग्रिल्स खुलते थे, बट अभी इन लोगों ने इसे सील कर दिया है तो मैं आपको बाहर से दिखा पाऊँगी। इसकी ख़ास बात है कि इसका जो पानी है वो रंग बदलता है और इसकी जो डेप्थ है वो आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाई है। ये बिल्कुल ऐसा कुआँ है जो कभी नहीं सूखता। आई थिंक 2500 साल पुराना कुआँ है और सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये इसका पानी सूखता नहीं है। किधर से पानी आता है ये किसी को नहीं पता, इसकी डेप्थ कितनी है ये किसी को नहीं पता। कई सारे रिसर्चर्स ने आकर के पता लगाने की कोशिश की थी बट इसका डेप्थ कोई भी बता नहीं पाया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की आपको, बट अभी ग्रिल्स लगा दिए गए, पहले वो देख सकते थे आप। तो चलिए मंदिर में मैंने तो पूजा अभी कर लिया है, ये है कैंपस मंदिर का। तो गाइस मन्नत वाली पूजाओं के साथ साथ और ये नॉर्मल पूजाओं के साथ साथ यहाँ शादियाँ भी होती हैं इस कैंपस में। आपको यहाँ के पंडित जी से बुकिंग करा करके आप यहाँ शादियाँ भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ मुंडन संस्कार भी होता है। तो अगर कई बार लोग यहाँ पर मन्नत मांग लेते हैं और बालों को यहाँ पर दान करते हैं उसी तरीके से मुंडन संस्कार होता है यहाँ पे। ये ऐसा एक मंदिर है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी होती ही होती है अगर आपने सच्चे मन से माना हो। यहाँ पे सात देवियों का भी, जो सात रूप है देवी का, उसका भी यहाँ पे सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो पहले आप जब जाएंगे तो मेन जो माँ शीतला की मंदिर है जो मूर्ति है वो आपको दिखेगी, उसका पूजन करेंगे, फिर आप अंदर जाएंगे तो अंदर में आपको सात देवियों का की मूर्ति स्थापित की गई है, आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज इस कैंपस का ये है कि यहाँ पे जिस भी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पे एक ना एक पंडित जी बैठे होंगे जो आपसे पैसे ले रहे होंगे, तो वो थोड़ी सी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा देखना चाहिए था, थोड़ा सा मिसमैनेज मुझे लगा। ये है हवन कुंड जहाँ पे हवन कर सकते हैं। तो जब आप सामान बाहर से परचेस करेंगे वहाँ पे आपको हवन की सामग्री मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ी सी धूप हो गई है तो मैं थोड़ी थक रही हूँ, बट दिखाना तो है ही, मुझे जाना ही है। मंदिर में आप आएँ तो आपको इतने तो कष्ट करना ही पड़ेगा। ये है अंगार माता की मूर्ति। तो अब मैं बाहर निकल रही हूँ लेकिन मैंने सोचा कि निकलने के पहले मैं आपको एक बार अच्छे से एग्ज़िट दिखा दूँ। ये है एग्ज़िट। वैसे तो प्रांगण साफ ही है बट थोड़ा सी और मैनेजमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर चारों तरफ है, तो जब भी आप आएँ यहाँ पूजा करने के लिए तो आप सारी मूर्तियों की पूजा करें। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, छोटे छोटे मंदिर हैं, तो हर जगह जाएं और पूजा कर ले। चेंज पैसे ज़रूर रखें अपने साथ बिकॉज वो हर मूर्ति के पास एक पंडित जी या पंडित ये एक लेडी पंडित बैठी होंगी जो आपसे पैसे ले रही होंगी। और परिक्रमा कर लें, पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा कर लें और
अगर आप यहाँ कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं भगवान के लिए। और मंदिर के ये जो कुआं है यहाँ भी पूजा करना बनता है, तो सबसे पहले लोग अगम कुआं की पूजा करते हैं, फिर वो जाते हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सिल्वर कलर का आपको अंदर दिख रहा है यही शीतला माता का मंदिर है। बहुत सिद्ध मंदिर है, पटना आए तो ज़रूर इस जगह जाए। हर जगह से ये कनेक्टेड है, बस स्टैंड से कनेक्टेड है, रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है, बहुत ईजिली आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है वो कुआं और बहुत पुराना है। तो आई होप को आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी ऐसे और वीडियोस बनाने की और जगह जगह जा करके आपको पटना की सैर कराने की। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, मैं जो वीडियोज़ बनाऊँ वो वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलो मिलते ही हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।